body. मैं महेंद्र रौतेला की बीवी हूँ लीगल तरीके से। मेरा पहले शादी हुई थी, हम दोनों का रिलेशन है 30 मार्च 2014 से, ठीक है। तो उसके चक्कर में मेरा पति इसका दोस्त था, पहले जो पति था जिससे तलाक हुआ, तो हम दो इसका हमारे घर में आना जाना था। उसने इसे मना भी किया, लेकिन इसने कहा कि गित्तू मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने कहा फिर हो ही जाता, लगाव हो गया हम दोनों में इतना ज़्यादा, तो इसने कहा कि इसे छोड़। फिर इसने हमने तलाक का उसके साथ अप्लीकेशन, इसने मुझे बाहर किराए में रखा, वहाँ पर मैंने कमरा छोड़ा, सरकारी कमरा था मेरा 46 PSC में, वहाँ पर से कमरा छोड़ने के बाद इसने मुझे बाहर मॉडर्न कॉलोनी में किराए में रखा। तो हम किराए में रहे, तो मैंने कहा मैम क्या किराए में कब तक रहेंगे, इन्होंने कहा कि तू मकान ले लेंगे। तो हमने मकान लिया, एक महीने पहले जैसे ही वहाँ से तलाक हुआ, वहाँ के कुछ पैसे जो मुझे वहाँ से भरण पोषण के मिले वो मिलाए, कुछ इसने मिलाए, कुछ लोनिंग कराई, हमने मकान ले लिया। मकान लेने का गृह प्रवेश हमने एक महीने पहले गृह प्रवेश भी किया, उसी टाइम पर हमने शादी कर ली। 22 अक्टूबर 2018 को हमने शादी की, मेरे पास सारे कागज़ हैं, और इसने मेरे आधार कार्ड में पति का नाम भी इसका है। इसने मुझे और सुबह मेरे से बात की कि 6 महीने बाद मेरी शादी है, अभी नहीं है, 6 महीने बाद है, मैं उसको पोस्टपोन कर दूँगा, मैं उस शादी को काट दूँगा, मना कर दूँगा। और इनके भाई ने कहा कि तुम यहाँ मत आना, अभी जब मैं हल्द्वानी में थी तुम मत आना, ये फेरे हो चुके हैं, अब क्या करोगी तुम आके, कल 25 को आना तुम, कोई नहीं, हम इस लड़की से तुम्हारा इस लड़की से इसका तलाक करवा देंगे, तुम्हें हम रख लेंगे।